नमस्कार मित्रों, नवंबर महीने में 13 दिनों का लंबा बैंक छुट्टी होने वाला है, इसलिए नवंबर 2024 में 13 दिन लंबा छुट्टी होने वाला है। लेकिन कौन कौन से एरिया में बैंक बंद है ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कुछ बैंक छुट्टी जो होता है एरिया वाइज भी होता है और कुछ देश भर में भी बैंक बंद होते हैं। तो वैसे में 13 दिनों का जो लंबा छुट्टी होने वाला है नवंबर महीने में, तो 13 दिन कब कब बैंक बंद है चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट इस वीडियो में। लेकिन हमारे प्यारे व्यूअर से अनुरोध है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बता दे, 1 नवंबर यानी कि पहला ही दिन से बैंक छुट्टी है, जो कि 1 नवंबर की बात करें तो दिवाली अमावस्या के कारण जो है अगरतला, बेलापुर, बाकी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। वहीं पे बात करें 2 नवंबर का, जो कि बलि प्रतिपदा के मौके पर अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गैंगटोक, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, लखनऊ में बैंक बंद रहेंगे, बाकी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। वहीं पे बात करें 7 नवंबर को, जो कि छठ पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे। तो 7 और 8 नवंबर को जो बैंक छुट्टी होने वाला है वो बिहार और झारखंड के अंदर होने वाला है। और इसके अलावा बता दें आपको कोलकाता में भी बैंक बंद रहेंगे, जो कि 7 तारीख को। बात करें 12 नवंबर को, जो कि 12 नवंबर को जो बैंक बंद होने वाला है वो देहरादून में बैंक बंद रहेंगे, बाकी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। वहीं पर बात करें 15 नवंबर को, जो कि गुरु नानक जयंती के कारण कुछ एरिया में बैंक बंद रहेंगे, कुछ एरिया में बैंक खुले रहेंगे। वहीं पर बात करें 18 नवंबर को, जो कि कनक बंद रहेंगे, बाकी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। उसके अलावा बात करें 23 नवंबर को, जो कि शिलांग में सिर्फ बैंक बंद रहेंगे, बाकी राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। अब हम बात करते हैं साप्ताहिक छुट्टी के बारे में। साप्ताहिक छुट्टी जो होने वाला है वो 3, 10, 17, 24 को जो है रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगा। वहीं पे बात करें दूसरा शनिवार के कारण 9 तारीख को बैंक बंद रहेंगे, यानी कि 9 नवंबर को। और वहीं पे बात करें 23 नवंबर को, जो कि चौथा शनिवार की वजह से बैंक बंद रहेगा। तो यह था टोटल 13 दिनों का बैंक छुट्टी नवंबर महीने का।